अ ट्रैवल सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और ये है मुख्य द्वार, हरिद्वार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं अभिनय बिश्नोई और आप देख रहे हैं पहाड़ी पता ट्रैवल सीरीज। अभी हम आ रहे हैं हरिद्वार की ऐसी पवित्र जगह हर की पौड़ी में, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं। काफी भीड़ है, लोगों में उत्साह है। और देखिए, ऐसा है, यहीं पे कुंभ होता है, महाकुंभ होता है। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और काफी भीड़ है यहाँ पे, काफी लोग आ रहे हैं। मेरे साथ है सचिन भाई अभी। और तो सचिन भाई, बताइए हरिद्वार के बारे में क्या है, यहाँ की मान्यताएं कुछ बताइए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हर की पौड़ी है। और हर की पौड़ी एक्चुअली यहाँ ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड वो जगह है जहाँ पर कहते हैं कि जो अमृत की बूंदे टपकी थी। तो ये हर की पौड़ी भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक अमृत की बूंद टपकी थी, और इसीलिए यहाँ पर जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए यार कैसे एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग। पीछे देखिए यार, मतलब यार बहुत ही अच्छा है। और देखो, लॉकडाउन में ज़्यादातर कुछ नहीं था, पर अब सब चीज़ खुल चुका है, तो लोग आ रहे हैं और अपनी आस्था दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए सारे नहा रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे अभी हर की पौड़ी का सीन। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग आ रखे हैं और दूर दूर हर राज्यों से यहाँ पे लोग आ रखे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ माहौल हो रखा है यहाँ पे, आप देखिए, मतलब यार काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और आप देख सकते हैं वहाँ पे कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ऐसा कुछ है यहाँ का, मतलब यार काफ़ी भीड़ है यार, काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आ रखे हैं। तो बस यार अभी हम जा रहे हैं, बाकी देखते हैं और क्या क्या दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी यार आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, आप कौन से राज्य से हमें देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी देखो यार नीचे देखो, यहाँ पे मुंडन वगैरह हो रहा है। हर की पौड़ी का एक घाट है, यहाँ पर जो संस्कार होते हैं, जो मुंडन संस्कार होता है वो होता है, क्योंकि बहुत लोगों की मान्यता होती है और वो माने रहते हैं कि जैसे हमारा बेटा होगा हम उसका मुंडन यहाँ कराएंगे। और बहुत लोगों का जो है वो रीति रिवाज भी होता है कि उनके बच्चों का जो मुंडन होता है वो हरिद्वार में ही करते हैं। तो यहाँ पूरे इंडिया से लोग आते हैं और अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। तो देखो यार ऐसा कुछ है यहाँ पे चल रहा है मुंडन, और यहाँ पे श्राद्ध भी करते हैं लोग ना, अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। और अभी वो श्राद्ध वाला टाइम चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। मतलब यार आप लोग व्यू देखो यार, कितना प्यारा हो रखा है यार, देखो चारों तरफ का व्यू। सारे लोग हमारे भाई का सपोर्ट करो, सारे लोग सब्सक्राइब करो, धूम मचा दो। बाकी देखो यार, मतलब यार कितना अच्छा हो रखा है यार चारों तरफ। जैसे कि आपको पता ही है, देवभूमि है हमारी उत्तराखंड, तो बहुत मान्यताएँ रहती है और यहाँ पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं और अपने, कहा जाता है कि उनके पाप सारे यहाँ से नष्ट हो जाते हैं अगर वो यहाँ पे दो डुबकी भी मार लें। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। तो देखो और अभिनव भाई, यहाँ की एक बात और बता दूँ मैं, आप लोग अगर हरिद्वार आते हैं जितने व्यूअर्स हैं, तो यहाँ जैसे पाप कटता भी है तो पाप होता भी है। अगर आप यहाँ पर कोई पाप कर्म करते हैं या आप गलत नज़र किसी के ऊपर डालते हैं, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर किया गया पाप व्रज पाप होता है, इसका कोई काट नहीं होता। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पहाड़ी पथ ट्रैवल सीरीज। बाकी देखो यार ये शॉप्स हैं, इवनिंग में अगर हो सके तो मैं आपको इवनिंग में भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसी होती है आरती, आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। शाम को मिलते हैं हम आपको, बाकी हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। बाकी अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे हरिद्वार में प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में, जहाँ अभी क्या चल रहा है वो आपको भाई जी बताएंगे, सचिन भाई जी। तो सचिन भाई क्या चल रहा है? दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि अभिनव भाई ने बताया, हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और अभिनव भाई आज हरिद्वार आए हैं। हरिद्वार में अवधूत मंडल है, प्राचीन अवधूत मंडल, और यहाँ पर जो महामंडलेश्वर हैं रुपेंद्र प्रकाश जी, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बाहर से काफ़ी लोग आए हैं। और यहाँ पे हनुमान
लच्छा सेना करके एक ग्रुप है, उन्होंने आज काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा है और पूरे हरिद्वार के काफ़ी संत समुदाय जो बड़े बड़े संत है वो सारे आज यहाँ पर रूपेंद्र प्रकाश जी के जन्मोत्सव मनाने आए हैं। सो दोस्तों, हम आपको अभी जल्दी मिलाएंगे रूपेंद्र प्रकाश जी से जिनका जन्मदिन है, थोड़ी देर बाद ले आते हैं। बाकी देखो यार, ऐसा डेकोरेशन हो रहा है और यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके का यहाँ देखो आयोजन कराया गया है, तो थोड़ी देर बाद हम आपको मिलाते हैं। काफ़ी बड़े यूट्यूबर है, अच्छा उनका अपना ब्लॉग है यूट्यूब में और अभी आज हरिद्वार आए हैं, हरिद्वार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री टाइप बना। तो दोस्तों अभी मेरे साथ हैं यहाँ पे महाराज जी, आप देख सकते हैं स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, और आज महाराज जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और स्वामी जी ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हमेशा हंसते रहें। तो स्वामी जी बताइए आप कुछ इस जन्मदिन के अवसर पर। कुछ कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम यहाँ किया था राष्ट्रीय हनुमान दल द्वारा, उसमें पूरे हरिद्वार के सभी अखाड़ों के संत उपस्थित रहे और सब ने हिंदू समाज में फैली अनेकों ऐसी बुराइयां त्रुटियों का कैसे निवारण हो इसके लिए विचार मंथन। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मैं आज महाराज जी के पास आके, और उन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। बाकी हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी मैं हूँ सचिन भाई के साथ, सचिन भाई चला रहे हैं भाई, और अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी और आपको दिखा दें नाइट में कैसे आरती होती है हरिद्वार में, वो आपको सारा दिखाया जाएगा। चला रहे हैं यहाँ पे भाई, और ये देखो यार कितना प्यारा व्यू हो रखा है। तो ये रहा अमरापुर घाट, कंजेस्टेड रास्ते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल पे, तो एक भाई ने मुझे कॉल करा था, तो अभी मैं उनसे मिलूंगा
तो आपसे मिलाता हूँ यार, मैं भी पहली बार भाई से मिल रहा हूँ। भाई का होटल है भाई ये है, देखो ली ग्रेस नाम का। भाई के दो होटल हैं, एक ये एक ये है। तो अभी मैं भाई से मिलता हूँ और देखो यार शायद भाई यहीं हैं। तो भाई आप ही इसको कॉल करी थी ना? जी हमें कॉल करी थी। कैसे हो भाई जी? वेलकम टू ली ग्रेस। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं ली ग्रेस में और भाई का बहुत बहुत थैंक यू कि आपको दिखाते हैं यार होटल कैसा कैसा। अगर हरिद्वार में आप लोग आ रहे हो तो भाई यार ली ग्रेस होटल में ज़रूर आए, क्योंकि आप देखो यार कितना प्यारा देखो, बस मज़ेदार होटल। और भाई के ये वाला होटल भी भाई मतलब यार ये अभी काम इसमें चालू चल रहा है, बाकी ये देखो यार ऐसा कुछ है। बाकी अभी भाई से मिलते, भाई हमें अभी होटल में ले जाएंगे। भाई बाकी क्या बोले यार, भाई बता दो फिर अपनी डिटेल डिटेल जो भी है। ये होटल ली ग्रेस है जी, जी जो हमारे स्टेशन से मैक्सिमम 300 मीटर है डिस्टेंस इसकी जी, जी। और हर की पौड़ी हमारे यहाँ से मैक्सिमम 500 मीटर है जी, जी। और नीरेस्ट घाट है हमारे यहाँ से, सारे घाट नीरेस्ट ही हैं जी, जी। मार्केट भी नज़दीक है ऑलमोस्ट, और सारे खाने की फैसिलिटीज़ भी तो हैं। बाकी दोस्तों अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, कोई भी राज्य से आ रहे हो, तो भाई आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर भाई अभी आपको दे देंगे, 8941000584। तो भाई ने आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया है। और बाकी क्या है, बाकी दिखाते हैं ना रूम, अब रात हो गई यार और क्या दिखाएं आपको। बाकी मैंने हर की पौड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो बना दी थी। बाकी भाई के साथ अंदर जाते हैं होटल में और इंजॉय करते हैं, फिर चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई देखो यार ऐसी कुछ एंट्री है होटल की, और सीरियसली यार बहुत ही अच्छा होटल है। मतलब यार भाई से हम मिले नहीं थे यार पहले, पर भाई का होटल बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर देखिए मतलब यार अच्छा खासा भाई का होटल है, तो आप लोग प्लीज़ आइए ज़रूरी। बाकी ऐसे ही कुछ है यहाँ पे, देखो यार बाकी जाते हैं रूम पे, बाकी एंजॉय करते हैं, बाकी आप भी एंजॉय करें। बाकी यार आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हैं ये वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप इतना प्यार दे रहे हैं। सोच लो दोस्तों अपने रूम पे जाते हैं और रूम पे जाके देखते हैं कैसा है अपना रूम। तो भाई ऊपर जा रहे हैं और हमें रूम पे ले जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और ऐसा कुछ है हमारा रूम। सही है भाई, ठीक है। बाकी बस यार आराम करते हैं, बाकी आपको वीडियो में काफ़ी कुछ दिख जाएगा कि हरिद्वार कैसा है। बाकी थैंक यू सो मच भाई का। तो ऐसा कुछ रूम है यार यहाँ पे। पहाड़ी पथ अ ट्रैवल सीरीज, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।